हमेशा इस बात को लेकर चर्चा चलती रहती है कि हमें सॉफ्ट ड्रिंक पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, बगैर ये समझे, बगैर ये जाने कि पीनी चाहिए तो क्यों पीनी चाहिए और पीनी नहीं चाहिए तो क्यों नहीं पीनी चाहिए। हाय गाइस, जब मैं आपकी डेस्परेशन को देखता हूं सॉफ्ट ड्रिंक के प्रति, तो मेरा भी मन करता है कि मुझे उसे पीना चाहिए, लेकिन फिर कुछ चीजें हैं जो मुझे ऐसा करने से रोकती है। बड़ी ब्रीफ में वो चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले शुगर कंटेंट्स, प्रति 250 ml एक सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो शुगर होती है वो 10 स्पून के बराबर होती है, अर्थात 27 ग्राम चीनी। उतनी चीनी जितनी हमें दिन भर में चाहिए उससे थोड़ी सी ज्यादा। और ये तो मैं सिर्फ 250 ml की बात कर रहा हूं, यदि क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी तो चीनी की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद हम चॉकलेट आइसक्रीम से चीनी अलग लेते हैं, मिठाई से चीनी अलग लेते हैं, खाने पीने की चीजों से चीनी अलग लेते हैं। इस प्रकार हम इतनी चीनी कंज्यूम कर लेते हैं जितनी हमें हफ्ते भर में चाहिए। आप कहेंगे लेकिन पेट को तो पता लगता ही नहीं कि चीनी आई है, कोई भारीपन नहीं होता। जी, इसके पीछे कारण है, इसमें ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मिला दिया जाता है जिसके कारण लीवर को चीनी कंटेंट्स का पता ही नहीं लगता, लेकिन इससे चर्बी बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है। और जब चर्बी और मोटापा बढ़ता है तो सबसे पहले हम डायबिटीज के शिकार होते हैं, और जो बीपी की समस्या है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। हार्ट अटैक, किडनी कैंसर, लीवर कैंसर, इनकी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। एक सर्वे में तो इतना भी कहा गया है कि यदि आपका वजन 100 किलो है तो आपकी लाइफ जो है वो 20 से 25 साल कम हो जाती है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और कैफीन की मात्रा हमें इसका एडिक्ट बना देती है। फिर हम इसको कैजुअली नहीं पीते बल्कि बार बार पीते हैं। कई युवाओं को मैंने देखा है कि वो परौंठे के साथ भी इसको पीते हैं, सिगरेट के साथ भी, और रूटीन मैनर। जब बहुत सारा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारे बोन्स जो है वो कमजोर हो जाते हैं। इसलिए कोई भी खिलाड़ी, कोई भी सिनेस्टार या कोई भी वो व्यक्ति जो अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहता है इसका सेवन नहीं करता। हाँ, वो विज्ञापनों में अवश्य दिखाई देते हैं लेकिन रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं। जब भी किसी सॉफ्ट ड्रिंक को फ्रिज से निकाला जाता है तो उसका टेम्परेचर होता है 4 से 5 डिग्री सेल्सियस, और हमारी बॉडी को जो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसलिए जब भी आप इसको कंज्यूम करेंगे तो इंटरनल पार्ट्स के ऊपर बहुत प्रेशर आता है उसको कन्वर्ट करने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस में। और ये तो मैं एक बार कह रहा हूं, यदि हम दिन में 10 या 12 बार ऐसा करें तो सोचिए उनके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर आएगा, और जिसके कारण आज बहुत सारे व्यक्ति ब्रेन हेमरेज, पैरालाइज जैसी समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। जब हम कोई भी ठंडी चीज खाते हैं या पीते हैं तो हमारी बड़ी आंत जो है वो सिकुड़ जाती है, और जिसके कारण हम कॉन्स्टिपेशन से ग्रस्त रहने लगते हैं। बड़ी दुविधा है गाइस, क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, लेकिन इस दुविधा को दूर किया जा सकता है सिर्फ इतनी सी जानकारी के साथ कि इसमें जो है वो कौन सी चीज है, कौन सा गुण है जिसके कारण हमें इसको पीना चाहिए। यदि आप वो बात जानते हैं, यदि हम उसका पता लगा लें तो निश्चित रूप से फिर हम सब इसको पी सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कोई ऐसी चीज नहीं है और जो बातें मैंने कही वो ठीक है, तो प्लीज इसको अपने जीवन से निकालिए। जहां तक रही रिफ्रेशमेंट की बात, तो निश्चित रूप से वो रिफ्रेशमेंट लस्सी, छाछ, फ्रेश लाइम वाटर, फ्रेश जूसी से भी मिल सकती है। लेकिन निर्णय आपका है कि आप क्या सोचते हैं और क्या नहीं, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, अपना हित अहित अच्छी प्रकार जानते हैं। लेकिन इस बात को तो आप भी नहीं नकार सकते ना कि जो व्यक्ति स्वयं बीमार है, मोटापे से ग्रस्त है, ना अपने लिए कुछ कर सकता और ना देश को कुछ दे सकता। विचार कीजिएगा, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।